मैं जानना चाहूंगी क्या कहा शर्लिन चोपड़ा ने ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड जैसे कि उन्होंने बात कि मुझे अरेस्ट कराएगी, मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, नहीं उन्होंने कहा भी कि वो अरेस्ट करवाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस आपको और आपकी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉम्बे बार काउंसिल में। ठीक है, अच्छा उनको जवाब देना। उसका जवाब मैं देती हूँ। शर्लिन चोपड़ा को मैं ये जवाब आज मीडिया के सामने देना चाहती हूँ। मैं जब से उन्होंने मेरे पे और राखी पे कंप्लेन की है और उन्होंने जो भी चीज़ें की है, उनको लग रहा है कि मैं एज एन एडवोकेट चुप बैठी हूँ, इसका मतलब मैं डर गई हूँ। मैं कोई चीज़ डरी नहीं हूँ, ना मैं आज तक किसी से डरी हूँ, ना डरूंगी आज के बाद। उनको बोलिए कि मेरे पर जाके और 4 FIR करिए। मैं जो भी करूंगी कायदे से करूंगी। उनको उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। आज आने वाले दिनों में मैं बोलूंगी नहीं, मैंने अभी तक मीडिया नहीं किया है। मेरे पास भी उनके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने चुप्पी साध के रखी है, क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगी, मैं अपने पे चीटे नहीं उड़ाऊंगी, मैं गलत चीज़ें नहीं करूंगी। बीइंग अ प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशनल दायरे में होगा वही मैं करूंगी। अगर वो मुझे अरेस्ट कराती है, जो भी कराती है बहुत अच्छी बात है, उसका मैं लीगली उनको जवाब दूंगी। कायदा है, लॉ सबके लिए समान है, अगर वो करा सकती है जो भी करा सकती है, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस कर सकती। ठीक है, उस वक्त जो हुआ था वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था। उसके लिए FIR रजिस्टर करने के बाद वो राखी से मिली थी, जहां हम रेस्टोरेंट में लखनऊ में लज्जते रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्होंने आके राखी से सेटलमेंट किया, माफ़ी मांगी, हम एक दूसरे से माफ़ी मांगी। हाँ, वो आके राखी की दोस्त बन गई। मैंने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है, फिर भी जबरदस्ती वो मेरी जो क्लोन है, मेरी क्लोन है, वो मेरी एक्टिंग करती है मीडिया में आने के लिए। जी, उन्होंने जो भी था राखी के साथ उन्होंने कहा आज के बाद हमारी कोई ये नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मैसूर चली गई थी, मैसूर उनको कोई जोर जबरदस्ती, दुबई भी गई, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। ठीक है, अगर आज वो चीज़ से मुकर रही है, वो उस चीज़ से इनकार कर रही है और वो आज भी उस केस को कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जवाब हम लीगली देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमने उनको जो कहना था एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेडीज, हमने उनको उनका जवाब दे दिया था। वो एक लेडी है, इसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे और करेंगे आगे चल के भी। जो भी हुआ ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट हुआ, कोई जानबूझ के कोई चीज़ की नहीं थी। हमने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डिफेंड करने के लिए या उनको एक्सपोज करने के लिए कोई चीज़ नहीं की थी। जो भी हुआ था वो उसका कोर्ट में हम जवाब देंगे कि वो सही है या गलत है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। आदिल खान दुरानी, ये जो तुम मोहरे खड़े कर रहे हो हमारे खिलाफ जबरदस्ती इंजेक्शन दे देकर, के इनको घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन को तुम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है? दिन रात जाते ये FIR हो गया, खांसी ली तो FIR हो गया, छींक ली तो FIR हो गया, पात दिया तो FIR हो गया, मतलब ये क्या है? हाँ, छोटी छोटी चीजों में FIR कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो मैं शर्लिन जी को एक रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहती हूँ। हाँ। शर्लिन जी, अगर आपने बात की हमसे, आपने जो भी एक्सेप्ट की थी कि ठीक है आज के बाद अपना कुछ नहीं रहेगा, अगर फिर भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, करो कंटिन्यू। लेकिन हम कायदे का जवाब कायदे से देंगे, लेकिन फालतू नहीं। ब्रह्मभट्ट एडवोकेट अगर चुप बैठी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो किसी से डरती है। चुप इसलिए मैं बैठी हूँ कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं एक मैं वकील जो हूँ, मेरे प्रोफेशन में मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में इज्जत है, और मैं उस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं शराफत से ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में पब्लिसिटी पाने के लिए तमाशे नहीं करने पड़ते, मैं तमाशा कभी नहीं करूँगी। मैं कायदे वाली इंसान हूँ और कायदे सर जवाब दूँगी मैं। लेकिन शर्लिन चोपड़ा जी, मैं चुप हूँ इसका मतलब मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन एक शरीफ औरत खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ, मैं ऐसा लेडी अब बात कर रही हूँ, मैं ऐसा एडवोकेट नहीं, जिस दिन शरीफ औरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, आपको उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। शर्लिन चोपड़ा मोरे लोगों को भड़का रही है तुम्हारे खिलाफ, हम कायदे से जाएंगे, हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं,
हमेशा करते हैं, वो आज भी चाहती है मीडिया के साथ आके बैठना और वो सुलझाना चाहती है। जैसे पिछली बार उन्होंने सुलझाया था, उन्होंने हाथ मिलाया था, उन्होंने हमारे साथ कॉफी पी थी, उन्होंने जो भी किया, बाद में पलट गई मीडिया बाइट होने के बाद पलट गई। और बाद में शर्लिन चोपड़ा चाहती है कहा कि आपसे इतना नहीं है, मतलब हमारी मदद सुलझा हुई थी मैम से, इसीलिए इतना है कि ये इसको तोड़ना चाहते हैं मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हो, इनको तोड़ना चाहते हैं कि राखी को छोड़ो हमसे मिल जाओ, और मुझे धमकी देना चाहते हैं कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस ले लूं, इसीलिए इनको धमकियां दी जा रही है। लेकिन इनका नाम है फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट, वो किसी से ना डरने वाली है, वो मुंह तोड़ जवाब दी। थैंक यू। आदिल खान दौरानी की अभी तो जमानत हो गई थी, जो भी उसने पैसे खिला के जिसे भी करिए, अब उसकी जमानत भी नहीं होगी इस बार जब वो जेल जाएगा, ये आप लोगों को मैं आश्वस्त। आप पक्का कह रहे हैं? बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, मैं खुद कोर्ट के बाहर बैठ जाऊंगा, कोर्ट के बाहर भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा। आदिल भूख हड़ताल करने से थोड़ी कुछ होता है, आपको पुलिस स्टेशन में आपको जो लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। वाहिद भाई, वाहिद भाई का चलो 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 इधर ऑफिस में चलो। अरे भाई बस ऑफिस कहाँ है? फाल्गुनी काशिफ चलो किधर हो? बहुत दूर तो नहीं है? सामने ही है। भाई थोड़ा अंदर नहीं, भाई अंदर मत जा। अरे बोला है आना, आने बोला है। निकलना भी है मुझे, तैयारी भी नहीं करी सर को Please come.
साजिद भाई हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह काकी जी को हम सबका सपोर्ट है लीगली भी और दुआओं से भी। काशी मैं फोटो ले ले। असलम भाई जरा लो। अब जरूर दुआ कीजिए। किशन सही है ना सर? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। खाना खाया आप लोगों ने? आपके लिए खाना मंगाया है? जानो खाएंगे खाएंगे खाना मंगाया है खाएंगे पहले आपको चलो भाई भाई बहुत खूबसूरत दिख रहा है। चलो भाई पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलिए पीछे पीछे चलिए गाड़ी ये रही मैम ये रही गई ये बैठ जाओ बैठ जाओ अभी पहले इसमें बैठो तो बैठ जाओ तो फिर चल 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 यार इधर किधर है गाड़ी का है गाड़ी का है यहाँ से हो गाड़ी कोई नहीं आएगा मैं खड़ा हूँ साथ में ये साइड देख पीछे देख अरे बेटा देखने को दे उसको